नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका GLCIS इंदौर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश समसामयिकी की मैगजीन का डिस्कशन करेंगे। यह अंक 6 है जिसमें 8 से 14 सितंबर तक की हमने खबरों का विश्लेषण इसमें दिया है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस मैगजीन में प्रादेशिक घटनाक्रम दिए हैं उनको डिस्कस करेंगे, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, खेल परिदृश्य से जुड़ी खबरें, US ओपन हो गया, T20 वर्ल्ड कप के लिए जो टीम चुनी गई वो हो गई, और अन्य महत्वपूर्ण खबरें। फिर प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमने प्रश्न दिए हैं। लोगों के मन में ये डाउट है कि इस मैगजीन को पढ़ने के बाद एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो हमने उन समस्या का समाधान करते हुए उसमें प्रश्नों को शामिल किया है। फिर मुख्य परीक्षा के लिए हमने एक प्रश्न बैंक भी दिया है ताकि आपकी मुख्य परीक्षा की भी तैयारी अच्छे से हो सके। इस मध्य प्रदेश समसामयिकी की मैगजीन का PDF आप GLCIS MPPSC एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। ये GLCIS MPPSC आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके सर्च कीजिए और ये मैगजीन आपको फ्री स्टडी मटेरियल में मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली खबर से, रोक के बावजूद आयोजित हुआ गोटमार मेला। जैसे ये प्रशासन ने इस पे रोक लगा रखी है, परंतु ये क्या होता है कि जो यहाँ के दो गांव हैं, दो गांव कौन कौन से हैं, एक तो सावर गांव और पांडुरना, ये दो गांव हैं जाम नदी के किनारे। जाम नदी के किनारे यहाँ पे क्या होता है, भाद्रपद की अमावस्या को यहाँ पे एक मेला लगता है। इसमें एक नदी के सेंटर में एक पेड़ पे झंडा लगा दिया जाता है और दोनों गांव के, सावर गांव और पांडुरना के दोनों साइड एक एक गांव के लोग खड़े हो जाते हैं और पत्थर मारते हैं एक दूसरे को, और जो यहाँ पे जो झंडा लगा है इसको निकालने की कोशिश करते हैं, और जिस भी गांव के व्यक्ति इसको निकालने में सफल होता है उस गांव की जीत मानी जाती है। तो ये पूरी गतिविधि माँ दुर्गा जी के पवित्र नाम के जप के बीच होती है। तो ये हालांकि ऐसी परंपरा है, गोटमार मेला इसे कहा जाता है। ये जाम नदी के किनारे होता है, सावर गांव और पांडुराना दो गांवों के बीच में। तो छिंदवाड़ा जिले में ये होता है, 65 किलोमीटर दूर पांडुराना मुख्यालय में। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर पे, शिक्षक पर्व। प्रधानमंत्री ने किया ऑडियो बुक, शिक्षकों के प्रशिक्षण के निष्ठा कार्यक्रम। निष्ठा का ये तीसरा वर्जन है, 3.0, इससे पहले दो वर्जन हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक पर्व के पहले दिन शिक्षा विभाग की 5 नई पहलों, कौन कौन सी नई पहल है, वह इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी, टॉकिंग बुक्स, निष्ठा शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम, मतलब निष्ठा के थ्रू, एक एप्लीकेशन के थ्रू शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है इसके तहत, ताकि ऑनलाइन कैसे आगे बढ़ा जा सके, ये सारी चीज़ें। फिर विद्यांजलि और केंद्रीय व नवोदय स्कूलों में शिक्षा के गुणवत्ता व मूल्यांकन ढांचा शामिल है। तो ये सब 5 जो है पहलों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत किया। अब इस महीने की 5 से 17 सितंबर के बीच शिक्षक पर्व 2021 आयोजित हो रहा है। इसकी थीम क्या है, क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया, ये थीम है, आप याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश से अकेले एक इंदौर का एकमात्र स्कूल है, एनी बेसेंट स्कूल का चयन हुआ था। पूरे देश भर में करीब 30 स्कूलों का यहाँ पे चयन हुआ था, परंतु मध्य प्रदेश से केवल एक स्कूल यहाँ पे चयनित हुआ था। यह निष्ठा की एक इमेज है, आप देख सकते हैं कार्यक्रम। फिर आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर, रातापानी अभयारण्य में 103 विभिन्न प्रजातियों की तितलियों की हुई खोज। तो जैसे रातापानी अभयारण्य में तितली सर्वेक्षण चला, यहाँ पर 14 राज्यों के 88 विशेषज्ञ ने 21 कैंप, 80 ट्रेल्स पैदल गश्ती कर 103 विभिन्न प्रजातियों की तितलियों की खोज की। अत्यंत दुर्लभ प्रजाति कौन कौन सी वो देख लेते अपन, पंचमढ़ी ब्रूस ब्राउन, एंगल्ड पायरेट, ब्लैक राजा, नवाब कॉमन ट्री ब्राउन, ट्राई कलर्ड पाइड प्लेड तितली, तो ये दुर्लभ प्रजातियां पाई गई है। और ये देख सकते हैं तितली की एक बहुत शानदार इमेज है, हालांकि इसमें क्लियरिटी थोड़ी जूम होने के कारण
खराब हो चुकी है। तो ये देख सकते हैं 10 सितंबर से 12 सितंबर तक जारी रहेगा यह तितली सर्वेक्षण कार्यक्रम। तो 90 से अधिक तितली विशेषज्ञों ने यहाँ पे भाग लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर संजय टाइगर रिजर्व में लाए जाएंगे गोर। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं गोर, ये गोर की आप इमेज देख सकते हैं। गोर होते क्या है? दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाने वाला एक बड़ा काले लोम से ढका गो जाती पशु है, और इसे पालतू गोर को गायल और मिथुन कहा जाता है। भारत के भिन्न भिन्न भागों में इसकी भिन्न भिन्न स्थानीय नाम है, जैसे गोरी गाय, बोदा, गौली इत्यादि। तो ये देख लेते हैं गोर, अपन ने देख लिया क्या होते हैं। संजय टाइगर रिजर्व में 50 गोर पुनः स्थापित किए जाएंगे। और ये पाया गया है कि आलोक कुमार भारतीय जीव संरक्षण देहरादून के अधिकारी है। उन्होंने कहा है कि संजय टाइगर रिजर्व को गोर पुनर्स्थापना के लिए उपयुक्त पाया गया है। तो ये देखिए आप कि जो संजय टाइगर रिजर्व है वहाँ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व अथवा पेंच टाइगर रिजर्व से 50 गोर प्रस्तावित किए गया है, मतलब वहाँ से लाए जाएंगे। इससे पहले कान्हा टाइगर रिजर्व से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में गोर लाकर पुनर्स्थापित किए जा चुके हैं। तो ये काम पहले किया जा चुका है। और ये गोर को देख सकते हैं आप, इसका साइंटिफिक नेम बोस गोरस और बाइबोस गोरियस, ये इनके साइंटिफिक नेम है। आइए आगे बढ़ते हैं। सागौन उत्पादन प्रोत्साहन योजना बैतूल जिले का हुआ चयन। सागौन उत्पादन प्रोत्साहन के लिए बैतूल जिले का चयन किया गया है। यहाँ सागौन उत्पादन मात्रा का आकलन कर इसमें वृद्धि की संभावनाओं को तलाशा जाकर उत्पादों को मूल्य संवर्धन सूचीबद्ध विपणन की रणनीति तैयार की जाएगी। तो वन विभाग ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत सागौन काष्ठ के प्रारंभिक प्रसंस्करण और सागौन काष्ठ से उत्पादित बनाने वाले शिल्पकारों की संस्थानों की सूची तैयार की है, और इसमें बैतूल जिलों का इन्होंने चयन किया है सागौन के लिए। अब एक जिला एक उत्पाद योजना क्या है कि देश के 700 जिलों में बेस्ट उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन पोर्टल की स्कीम शुरू की है। इस योजना में सभी राज्यों को मिलकर काम किया जाना है। स्कीम के तहत राज्य के हर जिले को पारंपरिक उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाना है, मतलब हर जिले की जो क्वालिटी है उसको प्रोत्साहित करना है। जैसे अब सागौन की हुई है बैतूल जिले में। अब नेक्स्ट खबर है हमारी, तीन भारतीय गांव सर्वश्रेष्ठ पर्यटन के लिए नामित। अब संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO ने तीन गांवों को शामिल किया है। वो कौन कौन से हैं? एक तो लतपुरा खास गांव मध्य प्रदेश का, कोंगथोंग गांव मेघालय का, पोचमपिल्ली गांव तेलंगाना का, ये तीन गांव सिलेक्ट हुए। अब आइए इनके डिटेल पढ़ लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के नेवाड़ी जिले में स्थित है लतपुरा खास गांव, जो ओरछा से करीब 7 किलोमीटर दूर है। तो ये ओरछा से, यहाँ पे ओरछा में जो पर्यटन की स्थल है उस ये इसलिए लतपुरा खास गांव को सिलेक्ट किया गया है। और मेघालय का कोद गांव मनोहर परिदृश्य के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह गांव में धुन देने या जिंजर वाई इवा बेई एक प्राचीन परंपरा का स्थल है। यहाँ के ग्रामीणों की पहचान इस खास धुन के जरिए की जाती है। कोंग थोंग गांव को भारत की सिटी विस्लिंग विलेज के रूप में भी जाना जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की सिटी किस गांव को कहा जाता है। तो आइए अब नेक्स्ट जो हमारा है, पोचमपिल्ली तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले का एक क्षेत्र है। यह अपनी पारंपरिक बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। पोचमपल्ली साड़ी को 2005 में बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण और भौगोलिक संकेतक GI टैग का दर्जा मिल चुका है। तो ये है तीन गांव, जिसमें से लदपुरा खास गांव मध्य प्रदेश में है। तो ये मध्य प्रदेश की परीक्षाओं के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये नेवाड़ी जिले में है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आइए हमारी जो अगली खबर है वो है, भोपाल के शिवांगी गवांदे ने GMAT कौन सी परीक्षा होती है? ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है मैनेजमेंट में। इसका फुल फॉर्म होता है GMAT का, ग्रेजुएट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। यह इंग्लैंड द्वारा आयोजित होती है। इस परीक्षा में शिवांगी ने जो भोपाल की है 800 में से 798 अंक हासिल किए।
देश में इनकी पहली रैंक है और विश्व में इनकी दूसरी रैंक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, भोपाल की है। शिवांगी कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, येल, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सहित देश के सभी IIM में सिलेक्ट हुई है। मतलब मैनेजमेंट में इनका अच्छा खासा पकड़ बनाई हुई है इन्होंने। तो शिवांगी ने रचा इतिहास। आइए नेक्स्ट खबर है, परिवहन विभाग शुरू करेगा महिलाओं के लिए मुफ्त ड्राइविंग ट्रेनिंग। अब भोपाल में भी महिलाओं के लिए निःशुल्क ड्राइविंग ट्रेनिंग दी जाएगी, तो ये खबर है। फिर नेक्स्ट खबर की बात करते हैं अपन। शुभम चौहान को वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो शुभम चौहान सबसे पहले तो रायसेन जिले से है। इन्होंने स्वच्छता अभियान, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, पौधारोपण अभियान, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्र खुले में शौच मुक्त करने वाले के लिए ODF कार्य, युवा आदान प्रदान कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आदि आयोजनों में अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया है। मतलब इन सब कामों में इन्होंने अच्छा योगदान दिया है, इसलिए इन्हें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2018-2019 के लिए सम्मानित किया गया है। अब राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं। 1985 से दिए जा रहे हैं। अधिकतम 25 व्यक्तियों को दिए जाते हैं जो 15 से 29 वर्ष की आयु के बीच को, और 10 स्वयंसेवी संगठनों को भी उत्कृष्ट कार्यों के लिए मान्यता प्रदान करने के लिए दिए जाते हैं। इनका उद्देश्य क्या है वो देख लेते हैं अपन। युवाओं को राष्ट्र का विकास या समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, समुदाय के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना, इस प्रकार अच्छे नागरिक के रूप में अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं में सुधार करना। किन्हें किन्हें दिए जाते हैं ये पुरस्कार? अनुसंधान, नवाचार, संस्कृति, मानव अधिकारों की रक्षा, कला, साहित्य, पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा, सक्रिय नागरिकता, सामाजिक सेवाएं, खेल तथा स्मार्ट लर्निंग वगैरह, इस विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं के उत्कृष्ट प्रदान के लिए किए जाते हैं। पुरस्कार राशि क्या है? व्यक्तियों को दिए जाने वाले में पुरस्कार में एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। स्वयंसेवी युवा संगठनों को एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट खबर के बारे में डिटेल। अखिल भारतीय बाघ आंकलन 2020, मतलब जो बाघों की जनगणना होती है, जैसे पिछली बार हुई थी 2018 में, तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का 526 बाघ यहाँ पे पाए गए थे। तो पहले नंबर मध्य प्रदेश था। तो इस बार अब 2022 में जो जनगणना होनी है उसकी भी तैयारी शुरू हो गई है। एम स्ट्राइप इकोलॉजिकल, ये ऐप के थ्रू बाघों की जनगणना की जाएगी। प्रत्येक 4 वर्ष में होती है। अक्टूबर से दिसंबर 3 माह तक चलेगा इसमें। यह 3 चरणों में होती है। प्रथम चरण में मध्य प्रदेश व अन्य राज्यों के सभी वन वीटों में मांसाहारी और शाकाहारी वन प्राणियों को उपस्थिति साक्ष्य इकट्ठे किए जाते हैं। द्वितीय चरण में GIS मैप का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तृतीय चरण में कैमरा टेप लगाकर वन्य प्राणियों के फोटो लिए जाते हैं, और इस प्रकार बाघों की संख्या गिनी जाती है। फिर शिक्षा मंत्रालय ने जारी की इंडिया रैंकिंग 2021, मतलब NRF रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री वर्चुअल मोड में इन्होंने जारी की। शिक्षा मंत्रालय इसके जारी करता है ताकि इंस्टीट्यूट के बीच में प्रतियोगिता का माहौल बना रहे। ये छठी NRF रैंकिंग है, और इसमें जो पैरामीटर आप पढ़ लेना कि इन 4-5 पैरामीटरों का आप पे रैंकिंग दी जाती है। विश्वविद्यालय श्रेणी के तहत IIS बेंगलोर पहले स्थान पर रहा है, और ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास को पहला स्थान, वहीं IIS बेंगलोर को दूसरा और IIT बॉम्बे तीसरे स्थान पर काबिज रहा। मैनेजमेंट के क्षेत्र में IIM इंदौर को छठी रैंक हासिल की है। पिछले साल की तुलना में एक पायदान का सुधार हुआ है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT इंदौर की रैंक पिछले साल की तुलना में 10वें स्थान से 13वें स्थान पर पहुंच गई है। मतलब IIT इंदौर की रैंकिंग गिरी है। तो ये आप देख सकते हैं GSITS इंदौर की रैंकिंग में सुधार हुआ है। ये दो पहले 242 थी, अब 181 हो गई है, 181। तो ये ध्यान रखना, अब IIT मद्रास मोस्ट इम्पोर्टेंट है ओवरऑल कैटेगरी में। फिर आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। नई दिल्ली में बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। युवा ओ ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के बीच संवाद को बढ़ावा देना है जिनकी उम्र 75 वर्ष से अधिक और जिन्होंने स्वतंत्रता से 18 वर्ष पहले का
समय भारत में बिताया है, मतलब जिनकी उम्र 95 वर्ष हो चुकी है और उन्होंने 18 वर्ष कम से कम स्वतंत्रता से पूर्व भारत में बिताया है, तो उनसे बातचीत की वीडियो कर आप 60 सेकंड की वीडियो इस www.राष्ट्रगान.in पर अपलोड किया जाएगा, तो आप ये भेज सकते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है संस्कृति मंत्रालय द्वारा, बुजुर्गों की बात देश के साथ, तो इसका नाम आप याद रखिएगा। और यह खबर है अगली हमारी, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अधिनियम महिलाओं को शामिल करने का निर्णय लिया है, और 18 अगस्त को न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए, इससे महिलाओं के लिए तीनों सेनाओं में स्थायी कमीशन के अवसर खुल जाएंगे। तो इसी पे अमल करते हुए नेशनल डिफेंस अकेडमी में बेटियां भी दाखिला ले सकेगी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने जस्टिस संजय किशन कौल और एम सुदेशु की पीठ को बताया कि लड़कियों के लिए एनडीए के जरिए स्थायी कमीशन के लिए शामिल किया जाएगा, इसके लिए बुनियादी ढांचे के बदलाव की जरूरत है, इसलिए इस साल एनडीए प्रवेश परीक्षा पुराने नियमों की तरह भर्ती में छूट दी जाए। तो यह है कि अब लड़कियां अभी इसमें एनडीए में परीक्षा में भाग ले सकती है। अब नेक्स्ट खबर हमारी, ब्रिक्स बैंक में नए सदस्यों के तौर पर संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश हुए भर्ती। ब्रिक्स बैंक का नाम जो पहले ब्रिक्स बैंक हुआ करता था, अब न्यू डेवलपमेंट बैंक है। इसमें 3 देश शामिल हुए नए, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश। इसमें ब्रिक्स में बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चीन और एस से साउथ अफ्रीका। ये 5 प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल है। ब्रिक्स एक संगठन है और 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का शुभारंभ किया गया था, और अब इसमें नए 3 मेंबर शामिल किए गए हैं। तो ये पूरा आप देख सकते हैं, पूरी डिटेल दी गई है, आप पढ़िएगा पीडीएफ में। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई के ब्रिक्स टावर में है, और ब्रिक्स डेवलपमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके 5 संस्थापक सदस्य जो ब्रिक्स के जो थे, बी आर आई सी एस, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अपन। आयुष मंत्रालय ने COVID-19 से बचाव के लिए शुरू किया रोग निरोधी दवाइयां वितरित करने का अभियान। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल और आयुष और महिला बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू पारा महेंद्र भाई ने COVID-19 के लिए रोग निरोधी दवाएं वितरित करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है। तो यह पूरी खबर आप पढ़ लीजिएगा पीडीएफ के माध्यम से। ये देख लीजिए, कामकाजी पेशेवरों के लिए वाई ब्रेक ऐप लॉन्च भी किया है। वाई ब्रेक ऐप का नाम आप केंद्रीय आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लालपुरा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने। पूर्व आईएएस अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो इनका नाम याद रखिएगा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा। फिर आता है भारत वर्ष 2023 में G20 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल होंगे शेरपा। जो दो G20 की अगली बैठक 30 से 31 अक्टूबर इटली में होगी, यहाँ पे शेरपा जो है पीयूष गोयल को चुना गया है, और 2030 में भारत G20 की मेजबानी करेगा। तो ये पूरी खबर आप इसमें पढ़िएगा, G20 में शामिल जो देश हैं उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। और अगला खबर है, भारतीय वायुसेना की ताकत में होगा इजाफा। रक्षा मंत्री MRSAM मिसाइल को जंगी बेड़े में शामिल किया। तो रक्षा मंत्री कौन है हमारे, राजनाथ सिंह। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, और भारत ने इसराइल की मदद से इसे तैयार किया है। इसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर है। तो $3 बिलियन के तहत अलग अलग समझौते हुए हैं, पूरा पढ़िएगा आप। S-400 के बारे में इसमें भी जानकारी दी है। फिर अगली खबर आती है, 13 ब्रिक्स समिट। तो ब्रिक्स में जो देश हैं ये आप देख लग सकते हैं, 5 सबसे बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्था इसमें शामिल है, और ब्रिक्स की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। यह दूसरी बार है, इससे पहले 2016 में गोवा में अध्यक्षता की थी, और यह 2021 में ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ है। और इस शिखर सम्मेलन की जो थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ब्रिक्स ब्रिक्स एट द रेट 15
निरंतरता, समेकन और आम सहमति की खातिर अंतर ब्रिक्स सहयोग, तो ये इसकी थीम है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। और किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी ये देख लीजिएगा आप। और न्यू डेवलपमेंट बैंक में 3 सदस्य शामिल हुए, वो भी अपन ने पढ़ ही लिया है इससे पहले। आगे बढ़ते हैं, 4 राज्यपालों की नियुक्ति हुई है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देख लेते हैं अपन। आर एन रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया है। पहले कहाँ के राज्यपाल थे, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पहले नागालैंड के थे वो, ठीक है, पर अभी आर एन रवि जो है इनको तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया है। जनरल गुरमीत सिंह को, ये है जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड का। और तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का नियमित राज्यपाल नियुक्त किया है। पहले ये तमिलनाडु के थे, अब तमिलनाडु के आर एन रवि हो चुके हैं और बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया है। और असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी को नियमित व्यवस्था होने तक नागालैंड के राज्यपाल का कार्यभार सौंपा गया है। तो फिर से देखते हैं अपन, तमिलनाडु के आर एन रवि और जो उत्तराखंड के हैं जनरल गुरमीत सिंह और बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब और जगदीश मुखी को नागालैंड का कार्यभार सौंपा गया है। आइए अगर तो हिंदी दिवस 2021 14 सितंबर को मनाया जाता है और हिंदी को देवनागरी लिपि में चिन्हित किया गया है। 14 सितंबर 1949 भारत के संविधान द्वारा इसे अपनाया गया था, इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(a) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। और यह जो है पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। और फिर विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 10 जनवरी को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट खबर हमारी, भूपेन पटेल ने ली गुजरात में नए मुख्यमंत्री पद की शपथ। तो विजय रूपाणी जी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और अब भूपेन पटेल ने नए सीएम बने हैं। इनको वहाँ के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, उन्होंने शपथ दिलाई है। भूपेन पटेल 17वें मुख्यमंत्री बने हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। 182 कुल विधानसभा सीटें हैं जिनमें 112 विधायक बीजेपी के हैं। और ये पाटीदार समुदाय से आते हैं, 2017 में पहली बार घाट लोडिया विधानसभा से चुनाव लड़े थे और इन्हें जीत मिली थी। इनके अपने समर्थकों के बीच में दादा नाम से पुकारा जाता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। इन्होंने बहुत सारे इससे पहले भी प्रशासनिकता में कुशल माना जाता है इनको। अहमदाबाद जिले के मेम नगर नगर पालिका सदस्य रहे और 2 बार इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण के भी अध्यक्ष ये रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अपन, स्पोर्ट्स की खबरें अब आ चुकी है। T20 विश्व कप के लिए 15 सदस्यों की भारतीय टीम की घोषणा हो गई है। तो T20 विश्व कप 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक संयुक्त अरब अमीरात व ओमान में खेला जाएगा और इसकी टीम की घोषणा हो चुकी है। कप्तान हालांकि भाई विराट कोहली को बनाया गया है और उप कप्तान रोहित शर्मा को, ये लिस्ट दे रखी है किन 15 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भारतीय क्रिकेट टीम में पहली बार मेंटर की नियुक्ति की गई है। बोर्ड ने पहली बार एक मेंटर भी नियुक्त किया है, बतौर मेंटर पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत में वापसी हुई है। मतलब पहली बार मेंटर बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। तो धोनी की कप्तानी में 2007 का T20 वर्ल्ड कप पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप भी भारत ने जीता था। ये 15 सदस्यों के नाम हैं। स्टैंड बॉय खिलाड़ी में श्रेयस अय्यर, दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर हैं। तो आइए अब अगले बढ़ते हैं, यूएस ओपन। यूएस ओपन फाइनल 2021 डेनियल मेदवेव ने नोवाक जोकोविच को हराकर जीता ग्रैंड स्लैम का खिताब। देखिए फ्रेंड, सबसे पहली बात तो जो नोवाक जोकोविच है, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन सारे एक साल में जीतते हुए आ रहे थे। अब बचा था सिर्फ यूएस ओपन। तो ये अगर ये जीत लेते तो साल भर में चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन जाते, परंतु यूएस ओपन में इनको डेनियल मेदवेदेव से 6-4, 6-4 से हराकर उस सपने को तहस नहस कर दिया नोवाक जोकोविच के। तो जो
मेदवेदेव है यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम खिताब जिसने कहा, जोकोविच ने दिग्गज रॉन बज 1938 और रॉन लेवर 1962 और 1909 की लीग में शामिल होने का अवसर खो दिया। मतलब ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऐसा करा है, चारों ग्रैंड स्लैम खिताब इन्होंने जीते हैं। डॉन बज और रॉड लेवर ने, इन्होंने यह पहले तमगा हासिल कर चुका है कि यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन और विंबलडन चारों ग्रैंड स्लैम एक ही साल में इन्होंने जीते हैं। तो ये नोवाक जोकोविच भी कर सकते थे, परंतु डेनियल मेदवेदेव ने उन्हें हराकर ये सपना उनका नाकाम कर दिया है। और हालांकि ये मौका भी था नोवाक जोकोविच के पास, क्योंकि फेडरर और राफेल नडाल दोनों यह यूएस ओपन नहीं खेल रहे थे, परंतु डेनियल मेदवेदेव ने ही उनको हरा दिया। आगे की खबर है महिला सिंगल्स की, यूएस ओपन की। ब्रिटेन की एम्मा राडो राडू कानू ने यह जीता। उन्होंने कनाडा की लेला फर्नांडिस के सीधे सेटों में 6-4, 6-3 से हराया। राडा कानू ने 44 साल बाद महिला सिंगल ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने वाली पहली ब्रिटिश खिलाड़ी है। इससे पहले ब्रिटेन की वर्जीनिया वेड ने 1977 में विंबलडन का खिताब जीता था। 17 साल की उम्र में रूस की मारिया शारापोवा ने 2004 में विंबलडन जीता था। इसके बाद 18 वर्ष की राडू कानू ने सबसे कम उम्र में ग्रैंड स्लैम की चैंपियन बनी है। इनके पिता रोमानिया के, माँ चीन की। इनका जन्म कनाडा में हुआ है। इसके बावजूद राडा कानू इंग्लैंड के लिए टेनिस खेलती है, क्योंकि इंग्लैंड में यह जब 2 साल की थी तभी से इंग्लैंड में इनके माता पिता आ गए थे। ये राणा कानू को आप देख सकते हैं, ये ट्रॉफी के साथ है। और अगली खबर है नीरज चोपड़ा मार्ग की, कि एक ये पूरी खबर आप पढ़ लीजिएगा कि उनके माता पिता ने ट्रैक फील्ड में नीरज चोपड़ा मार्ग का शुभारंभ किया है। आगे बढ़ते हैं, रूट अगस्त के आईसीसी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने। जो रूट इंग्लैंड के खिलाड़ी है, उन्होंने आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अगस्त माह के लिए चुना है। महिलाओं में आयरलैंड की ऑलराउंडर एमियर रिचर्डसन को चुना है। यह है जो रूट और यह है एमियर रिचर्डसन। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। पूर्व कप्तान रमेश राजा बने पीसीबी अध्यक्ष। यह है रमेश राजा, इन्होंने सर्वसम्मति से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। यह एहसान मनी की जगह लेंगे। और मैथ्यू हेडन और वर्नोन फिनलैंडर को, इनको बैटिंग कोच और इन्हें बॉलिंग कोच बनाया गया। ये खबर है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज वर्नोन फिनलैंडर को T20 विश्व कप में पाकिस्तान टीम का कोच नियुक्त किया गया है। तो इन्हें पीसीबी का अध्यक्ष बनाया है। रमेश राजा, मैथ्यू हेडन बैटिंग कोच और ये दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज बॉलिंग कोच T20 विश्व कप के लिए बनाया गया है। अब ये थी हमारी पूरी खबरें। अब प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न है, वो सुपर फास्ट हम देख लेते हैं। गोटमार मेला किस नदी के किनारे लगता है? जाम नदी के किनारे। हाल ही में किस अभयारण्य में 103 विभिन्न प्रजातियों की तितलियों की खोज हुई है? अभी हाल ही में रातापानी अभयारण्य में। संजय टाइगर जो किस जिले में है जहाँ हाल ही में 50 गोर पुनर्स्थापित करने की योजना की घोषणा की गई है? सीधी जिले में है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत सागुन उत्पादन के लिए किस जिले का चयन हुआ है? बैतूल का चयन हुआ है। फिर लतपुरा खास गांव किस जिले में है? निवाड़ी जिले में। शिवांगी गवांदे का संबंध किस जिलों में जिन्होंने जीएट में पहली और विश्व में दूसरी रैंक हासिल की? तो भोपाल में की है। शुभम चौहान किस जिले से जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार सम्मानित किया गया? रायसेन से सामाजिक कार्यकर्ता है। बाघ आकलन 2020 किस मोबाइल ऐप द्वारा की जाएगी? तो एम स्ट्राइप इकोलॉजिकल ऐप द्वारा। भारत किस वर्ष G20 सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? 2023 में। 2021 में कौन कर रहा है? इटली। और उसके शेरपा कौन है? पीयूष गोयल। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा। न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन से नए सदस्य शामिल हुए? तो अपन संयुक्त अरब अमीरात, उग्रवे और बांग्लादेश, ये सभी शामिल हुए। एनआरएफ ओवरऑल कैटेगरी में लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर कौन रहा? तो आईआईटी मद्रास रहा। अगस्त माह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी क्रिकेट में जो रूड बने हैं। यूएस ओपन मंगल महिला सिंगल का खिताब जीतने वाली एम्मा राडुकानु किस देश की खिलाड़ी है? तो ये यहाँ पे रोमानिया गलत है फ्रेंड्स, ये ब्रिटेन की है। उनके पिता रोमानिया के हैं, माँ चीन की है, उनका जन्म कनाडा में हुआ है, वो ब्रिटेन के लिए खेलती है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने यूएस ओपन सिंगल्स का खिताब जीतकर नोवाक जोकोविच के एक ही वर्ष में चारों ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड से वंचित किया? तो वो है डेनियल मेदवेदेव।
बीसीसीआई ने T20 विश्व कप के लिए किस खिलाड़ी को भारत का मेंटर नियुक्त किया? महेंद्र सिंह धोनी। ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की? नरेंद्र मोदी द्वारा। हाल ही में किए उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह को बनाया गया है। विश्व हिंदी दिवस, फ्रेंड्स ये गलत है, विश्व हिंदी दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये आप ध्यान रखना, राष्ट्रीय जो भारत में हाल ही में कल ही मनाया गया राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने? भूपेन पटेल बने। हाल ही में पीसीबी के अध्यक्ष रमेश राजा को बनाया गया है। तो ये ध्यान रखता है, ये मुख्य परीक्षा के लिए अपन ने प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्नों को डिस्कस कर लिया। ये मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न बैंक दी गई है, आप इनके आंसर लिखकर हमें भेज सकते हैं। किस नंबर पर? 9909708885 पर ये नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इन प्रश्नों का उत्तर लिख के। आपकी कॉपी एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा चेक की जाएगी। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे, आपने देखे 30 क्वेश्चन, और ये 50 शब्दों में है, 5 मार्क के ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। और फिर इसमें हमने कुछ 11 मार्क्स के क्वेश्चन भी शामिल किए हैं, वो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये रहे, ये 11 अंक के कुछ प्रश्न हैं, कितने प्रश्न हैं देख लीजिए आप, कुल 11 प्रश्न हैं 11 मार्क्स के। इस मैगजीन की PDF आप हमारे एप्लीकेशन GLC IAS MPPSC ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज का भी आयोजन डेली होता है, डेली टेस्ट टूर चलते हैं वहाँ पे, तो आप उनका भी फायदा उठा सकते हैं, जो आपकी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उसके साथ ही हमारी ऑफलाइन बेचेस MPPSC के लिए फाउंडेशन बेंच और 1 ईयर प्लान्स टारगेट बेंच भी चालू हो चुकी है। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस टीचिंग टीम है हमारे पास। प्लान मॉडल फॉर सिलेबस कंप्लीशन, जो नया सिलेबस है उसके लिए एक बेहतरीन मॉडल तैयार किया गया है। अपडेटेड प्रिंट्स नोट अस पर न्यू सिलेबस, जो नए सिलेबस के अनुसार प्रिंटेड नोट्स आपको दिए जाएंगे। इसका डेमो आप हमारे एप्लीकेशन पर जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेंस एग्जाम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फ्रॉम फर्स्ट क्लास, मतलब आप पहले जिस दिन एडमिशन लेते हैं उसी दिन से हम मेंस के आंसर राइटिंग, आपको जितना आपको नॉलेज है उसके हिसाब से तैयारी करवाना शुरू करवा देते हैं, ताकि आपको मुख्य परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना आए। ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। ऑनलाइन आप फ्री डेमो देख सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड करके, और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का मुआयना आप हमारे ऑफिस भंवर कुआं पे है, होलकर कॉलेज स्ट्रीट रोड इंदौर में आकर आप ले सकते हैं। और किसी भी क्वेरी के लिए आप इन 2 नंबर आपको दिए गए हैं यहाँ पे, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।